हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पायरो प्रोग्रामिंग चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि रन टाइम में रिसाइकलर व्यू में कोई एलिमेंट को कैसे ऐड करना है, और डिलीट और अपडेट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये में कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रिसाइकलर व्यू क्या होता है, उसको एंड्रॉयड में कहाँ यूज कर सकते हैं और क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन है। इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख लीजिए। आज की क्लास में रिसाइकलर व्यू में रन टाइम किसी यूजर से कॉन्टेक्ट ऐड कराना हो, जैसे कि आपने कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट बना रखी है तो उसमें नया कॉन्टेक्ट ऐड कराना हो, या कॉन्टेक्ट लिस्ट में किसी के कॉन्टेक्ट को अपडेट या डिलीट कराना हो, तो वो चीज कैसे करना है वो सीखेंगे। तो बिना वक्त बर्बाद किए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और सीधा चलते हैं। अपने पिछले क्लास वाले प्रोजेक्ट में जिसमें हमने रिसाइकलर व्यू बनाया था, उसमें ही हम ऐड अपडेट और डिलीट करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फ्लोटिंग बटन ले रखा है, आप यहाँ पे साधारण बटन भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने इस पे ऑन क्लिक लिस्नर लगा रखा है, तो इस फ्लोटिंग बटन के क्लिक पर हम एक डायलॉग बॉक्स को ओपन कराएंगे, जिसमें नेम और नंबर का एडिट टेक्स्ट देंगे और एक ऐड का बटन देंगे, जिसमें नेम और नंबर फिल करने के बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉन्टेक्ट ऐड हो जाएगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ मैंने फ्लोट बटन पर ऑन क्लिक लिस्ट ने लगा रखा, इसमें हम यूजर से वैल्यू लेंगे और उसको स्ट्रक्चर में डालकर एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इसके साथ साथ ही हम अपने रिसाइकलर व्यू को भी अपडेट कराएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कस्टम डायलॉग कस्टम लेआउट चाहिए, तो मैंने यहाँ बना रखा है एक सिंपल सा लेआउट। इसमें एक टेक्स्ट व्यू, दो एडिट टेक्स्ट और एक बटन ले रखा है। तो चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में। यहाँ इसको इनिशियलाइज करते हैं डायलॉग, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डायलॉग इक्वल न्यू डायलॉग, और इसके अंदर अपना कॉन्टेक्ट पास कर देते हैं। हम मेन एक्टिविटी में हैं, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस को क्लोज कर देते हैं। आगे डायलॉग ऑब्जेक्ट पे डायलॉग डॉट सेट कंटेंट व्यू आर डॉट, अब हम अपने जो कस्टम लेआउट बनाया था उसकी आईडी देंगे आर डॉट लेआउट डॉट कस्टम लेआउट ए नाम से बनाया था मैंने, वो दे दिया मैंने। अभी इस कस्टम लेआउट में हमने दो एडिट टेक्स्ट लिए थे और एक बटन लिया था, तो उनको भी यहाँ इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसके लिए चाहिए हमें दो एडिट टेक्स्ट, इसका नाम दे देता हूँ मैं एडिट नेम इक्वल, यहाँ डायरेक्ट फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं होगा, तो हमें डायलॉग से लेना होगा डायलॉग
डॉट आईडी डॉट, वहां हमने दिया था टीटी नेम, नेम वाले का आईडी। सेकंड एडिट टेक्स्ट को भी करते हैं, एडिट टेक्स्ट इसका नाम रख देते हैं ईडीटी नंबर, इक्वल डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट ईडीटी नंबर, और बटन को भी कर लेते हैं, बटन बीटी, इसका मैं आईडी दे देता हूँ बीटीएन हेलो मैं इसका नाम चेंज भी कर सकता था, एड भी लिख सकता था, मैंने डायलॉग इसलिए दिया है क्योंकि इसी बटन पे हम अपडेट का भी काम कराएंगे अगले वीडियो में, तो इसलिए एड का देता तो वो काम तो अपडेट का कराएंगे और नेम एड का रहेगा तो कंफ्यूज होता है, तो इसलिए मैंने इसका नाम डायलॉग ही रख दिया है, बटन बीटीएन डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी पीटीएन पीटीएन डायलॉग डायलॉग। हमने तीन चीजों को यहाँ इनिशियलाइज कर लिया है, अब हम इस बटन पे ऑन क्लिक लिस्नर लगाते हैं, पीटीएन डायलॉग डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, अब यहाँ हमें इन दोनों एडिट टेक्स्ट से डेटा को गेट करना है, तो उसके लिए स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल ईडीटी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नंबर इक्वल ईडीटी नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। क्या हमने दोनों एडिट टेक्स्ट से यहाँ पर वैल्यू भी गेट कर ली है, अब हम चेक कर लेते हैं ये दोनों स्ट्रिंग खाली तो नहीं है, अगर खाली होगी तो हम एक टोस्ट मैसेज शो करा देंगे, क्योंकि अगर ब्लैंक रहेगी तो ब्लैंक तो अपना सेव नहीं होगा, इसलिए ब्लैंक सेव कराना भी नहीं है हमको, कोई नेम या नंबर होना चाहिए, तो इसके लिए एक कंडीशन लगाते हैं, एक नेम डॉट जीएमटी एंड नंबर डॉट जीएमटी, इसका मतलब ये हुआ कि नेम वाली स्ट्रिंग खाली तो नहीं है और नंबर वाली स्ट्रिंग खाली नहीं है, अगर सॉरी नेम वाली स्ट्रिंग खाली है और नंबर वाली स्ट्रिंग खाली है, अगर खाली है तो हम यहाँ एक टोस्ट मैसेज शो करा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं मैसेज में प्लीज फुलफिल और इसके पार्ट में अपना एडिशन का एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर खाली नहीं है तो इस पार्ट में करेंगे, एरे कॉन्टेक्ट्स अपनी एरे कॉन्टेक्ट्स की क्लास थी कॉन्टेक्ट मॉडल, इसमें मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है क्योंकि हम इमेज को नहीं लेंगे, इमेज की पर्सनैलिटी आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे क्योंकि कैमरे से कैसे इमेज को कैप्चर करना है, गैलरी से इमेज को कैसे अपने इसमें इंसर्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए
आगे ना अगली क्लासों में सीखेंगे। तो यहाँ मैं अभी नंबर और नेम ही लेता हूँ, तो इसका मैंने अलग से एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। और इसका मैंने यहाँ पे ये अपना अरे लिस्ट कॉन्टेक्ट है, इसको कॉन्टेक्ट रोटेड इसमें देंगे हम न्यू कॉन्टेक्ट मॉडल नेम और नंबर, ये नीचे वाला लेंगे नेम और नंबर। ये दोनों हमें यहाँ दोनों कस्टमर के बारे में बताया, लेकिन हमें एक ही लेना है नेम और नंबर। याद कर दिया मैंने इसको। फिर आगे अडेप्टर का भी, अडेप्टर को भी नोटिफाई कराना है, इसलिए मैंने इसको ग्लोबली इनिशियलाइज किया है। आप भी कर लेना अगर नहीं किया हो तो, क्योंकि यहाँ तो हम ऑन क्रिएट मेथड में काम कर रहे थे, वहाँ ऑन क्लिक लिस्ट ऑन क्लिक में काम करवा रहे हैं, तो इसलिए वहाँ यूज नहीं कर सकेंगे इसका। तो मैं इसलिए डायरेक्ट इसको ग्लोबली ले लिया है, तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे अडेप्टर डॉट नोटिफाई आइटम इंसर्ट, नोटिफाई आइटम इंसर्ट डेट, ठीक है। इसमें लेते हैं हम अपनी एरे लिस्ट का वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज, डॉट साइज -1। अभी हमें आइटम को कहाँ इंसर्ट कराना है, हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट में इसी से एंड में इंसर्ट कराना है, इसलिए मैंने इसी पूरी साइज दे दी और उसमें -1 कर दिया। क्योंकि अगर मेरे पास मान लो कॉन्टेक्ट लिस्ट में 10 कॉन्टेक्ट है, तो इसको ऐड कराना है 11 वाले में, तो जैसे ही इसमें यहाँ ऐड हो गया 11 वाला, तो वो इसमें 11 वाले में ऐड हो जाए, नीचे नीचे ऐड होगा लास्ट। और मैं अपने रिसाइकल व्यू की स्क्रॉल पोजीशन भी दे देता हूँ यहाँ पे आर वी, रिसाइकल व्यू को भी मैं यहाँ पे ग्लोबली कर लेता हूँ, रिसाइकल यहाँ से हटा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हटाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लेते हैं रिसाइकलर व्यू, डॉट स्क्रॉल टू पोजीशन, स्क्रॉल की पोजीशन दे देता हूँ, ताकि ये जैसे ऐड हो जाता है अपना आइटम तो वहाँ स्क्रॉल होके चला जाएगा ऑटोमेटिकली। कॉन्टेक्स डॉट साइज -1। और अब मैं यहाँ पे अपने डायलॉग को अपना इतना काम हो जाता है, उसके बाद मैं अपने डायलॉग बॉक्स को इनविजिबल कर देता हूँ, यानी कि इसे हटा देता हूँ। इसके लिए डायलॉग डायलॉग डॉट डिसमिस, और हमें डायलॉग को शो भी कराना है, इसके लिए डायलॉग दोस्तों
एक बार और समझ लीजिए दोस्तों, ये प्लॉटिंग बटन के उनके लिए लिस्टनर में हमने जो डायलॉग बॉक्स बनाया है उसको यहाँ इनिशियलाइज किया है मैंने। फिर उसके ऑब्जेक्ट से मैं अपने व्यू को पास किया है, अपने व्यू के अंदर से एडिट टेक्स्ट, जो एडिट टेक्स्ट और बटन को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है और इस बटन पे यहाँ पे ऑन प्ले लिस्टनर लगाया है। और उसके बाद जो यूजर से एडिट, दोनों एडिट टेक्स्ट में जो डेटा आएगा उसको यहाँ पे सेट किया है मैंने, गेट करके यहाँ से स्क्रीन में सेट कर दिया। फिर यहाँ से इनको दोनों की एम्प्टी पोजीशन चेक करके यहाँ अपने जो कॉन्टेक्ट मॉडल है उसके ऑब्जेक्ट में एक कॉन्टेक्ट ऐड किया है और यहाँ पे अपने इसकी पोजीशन दी है भाई कहाँ अपना कॉन्टेक्ट सेव होना चाहिए। और यहाँ रिसाइक्लेबिलिटी भी स्क्रॉल पोजीशन दी है कि जैसे ही आइटम शो ऐड हो जाता है तो वो स्क्रॉल होकर उस आइटम पे चला जाए। मान लीजिए अपने पास 200-300 कॉन्टेक्ट है, तो अगर हम ये दे दिया तो जैसे ही ऐड करेंगे तो डायरेक्ट स्क्रॉल होकर वहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे हमने अपने डायलॉग बॉक्स को डिसमिस किया है। इस बटन डायलॉग के सेट ऑन क्लिक लिस्टनर से बाहर और इस प्लॉट बटन वाले ऑन क्लिक लिस्टनर के अंदर डायलॉग बॉक्स को छोड़ दिया, इतने में अपना काम हो गया, एडिशन का काम हो गया, अपडेट और डिलीट का काम अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। और इसे चेक कर लेते हैं, मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट को और फिर चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों अपना प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है, ओपन हो रहा है, इंस्टॉल हो गया। तो दोस्तों अपना प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, अब मैं अपने बटन पे क्लिक करता हूँ। और इसमें डेटा फिल करता हूँ। नंबर भी फिल करता हूँ। फिल कर दिया है, मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जो मैंने कॉन्टेक्ट ऐड किया था वो ऐड हो गया है, ये रन टाइम पे ऐड होगा, ये परमानेंट नहीं रहेगा क्योंकि इसको हमने कहीं भी डेटाबेस में सेव नहीं करा रखा है या फिर किसी सर्वर में सेव नहीं करा रखा है, इसलिए ये रन टाइम में शो होगा। अगर मैं इसे बैक करके दोबारा ओपन करता हूँ तो ये गायब हो जाएगा। तो आगे आने वाले मॉडल्स, डेटाबेस के मॉडल्स में बताऊंगा कि इन्हें कैसे सेव कराना है और कैसे शो कराना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।